गाइस आज हम आ चुके हैं रावलपिंडी में और पिंडी में आज हम करेंगे सैर और कुछ अपने यारों से मुलाकात और खाएं पिएंगे, चिल करेंगे। पेट के हालात ठीक नहीं है लेकिन फिर भी करेंगे। और गर्मी, दिन के टाइम गर्मी है और शाम के टाइम पे ठंड है। रात को आप रज़ाई कंबल उसके बगैर नहीं सो सकते, लेकिन बाइकिया बेस्ट ऑप्शन है ट्रैफिक से बचने के लिए। बाइकिया ले लें और आगे आके आप मेट्रो या बाइकिया पे ही आप अगर आके चले जाएं तो बेस्ट है। तो आइए अभी अपना मेट्रो का टिकट लेके फिर हम मेट्रो में जाते हैं। मेट्रो से चांदनी चौक के स्टॉप पे उतर गए हैं। सदर से हम चढ़े थे, चांदनी चौक के स्टॉप पे उतर गए हैं और चांदनी चौक के स्टॉप तक अनाउंसमेंट एक ही होती रही है कि जेब कतरों से होशियार रहें, जो कि नायत शर्म की बात है कि इस तरह की अनाउंसमेंट करी जा रही है हमारे मुल्क में। दूसरा एक आवाम से अपील है कि जब एक जगह को साफ रखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर गंद ना मचाया जाए। जगह जगह थूकना, जगह जगह गंद मचाना आपका मुल्क है, उसका ख्याल रखें। फाइनली हम खाने आ गए हैं मामू बर्गर और ये आ गई बच्चों की बस। कोई बच्चों का कोई टूर हो रहा है और ये उसकी बस है जी। तो गाइस हम आ गए मामू बर्गर खाने। ये वो बर्गर है जिसके अंदर अंडा, चिकन का लेयर, सैलेड और ये आ गए चिप्स। और इसको तो आप जानते ही होंगे। देखिए जनाब, बर्गर की लेयर्स और तेल चेक कर रहे जी, तेल कितना डालते हैं। अभी हम इस मामू बर्गर को खा के बताते हैं कि ये कैसा है। और ये वो बर्गर है जो हम तकरीबन बचपन से ही खाते हैं। अभी इसमें बहुत सफाई नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें बहुत सफाई होगी बनने के प्रोसेस में और सारा कुछ, तो वो शायद इतना नहीं है। लेकिन क्या है कि समझ लें कि ये पिंडी की सौगात है, तो पिंडी वाले अगर पिंडी की सौगात नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। अभी देखिए कैसे है, कमाल, वो ही टेस्ट। अगर बाहर आप इनका तवा देख लें तो उस पर काफ़ी मिट्टी पड़ रही है क्योंकि आसपास धूल मिट्टी बहुत है, लेकिन धूल मिट्टी का बड़ा टेस्ट है। कम से कम ये बर्गर मैं 4 साल बाद खा रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मुझे एक और मंगवाना पड़ेगा, एक से मेरा कुछ नहीं बनना। जी तो जनाब हम आ गए हैं आज शहनशाह रेस्टोरेंट और यहाँ पे देखें हम देसी स्टाइल में बैठे हैं और यहाँ पे आप देखें सारा पीछे सब देसी माहौल है। और हमने कढ़ाई ऑर्डर किया है, चिकन कढ़ाई, और हमारे पीछे लग रही है सब्जी। हमने सब्जी भी ऑर्डर की है, सब्जी जब आएगी हम आपको बिल्कुल दिखाएँगे। ये मेरे दो यार आ रहे हैं, ये अमार, ये जमाल। ये जनाब सज्जी जो अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में खाने वाले हैं। ये इसी तरह आग पे बलोची सज्जी बनाई जाती है, आग के साइड पे सीखे लगा के, और जो इसका लेवल है वो नेक्स्ट से भी ऊपर होता है। अगर इसकी वीडियो कहीं लीक हो गई ना पता चल गया आजकल कब पकड़ा गया। नहीं नहीं बात सुन तो ये जनाब अभी हम सज्जी का मजा लेने लगे, धुआं निकल रहा है। जो भी खा रहे हैं जमाल जी भी खा रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे क्यानी साहब ने, तो क्यानी साहब हमें कह रहे हैं बस करो क्योंकि ये पीटीआई के अंदर के बंदे हैं तो इनकी बस हो चुकी है। मेरी बात मैं भी पीटीआई का, लेकिन इनकी बस हो गई है। नहीं,
कढ़ाई का मजा हम लेने लगे हैं। ये मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि वहाँ मैं बनाता रहता हूँ, बिल्कुल बनाता रहता हूँ। और अभी हम खाने लगे हैं क्या है जी, मक्खन कढ़ाई है जी। बैटरी बंद दो बार। ये जी मटका चाय तैयार हो रही है। ये इसमें क्या डाल रहे हैं, शक्कर। अच्छा जी, शक्कर में तैयार होती है आपकी मटका चाय। और ये डल गई पत्ती। ये भी भाई हमें मटका जो था यहाँ से निकाल के दिखाएंगे तंदूर के अंदर से। ये देखें अब आग के अंदर मटके बड़े हैं। ये साइड पे भी यहाँ से अभी ये भाई मटका निकालने लगे हैं। एक जनाब ये चाय अभी हम पी लेंगे। क्या प्राइस है भाई एक कप की? एक कप जी सत्तर रुपए का कप है ये। कप क्या टूट जाते हैं? जी तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे तीनों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए और आज हमने मिलकर बैठ के यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के बाद खाना इकट्ठे खाया। तो इसके साथ ही आज इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।